आज नेशनल काउंसिल जैसा कि राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब ने बताया, काफी देर के बाद मिल रहे हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। जितने भी इलेक्टेड, जितने भी सिलेक्टेड और जितने भी वर्कर वॉलंटियर आम आदमी पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए डोर टू डोर करने वाले, हर विंडो तक हमारा मैसेज पहुंचाने वाले जितने भी पहुंचे हैं, सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे ख्याल में जिस किस्म का विज़न हमारे लोकप्रिय और देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले अरविंद केजरीवाल साहब ने जिस किस्म का विज़न दिखाया, उसके बाद बोलना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्होंने दिल से बोला है और जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। हमने भाषण बहुत सुनते हैं हम दूसरों के भी, लेकिन पता चल जाता है वो दिल से नहीं बोलते। जब दिल से निकलती है बात, वो असर रखती है। और दिल के साथ आंखों का भी बहुत मैच होता है। जो बात दिल से निकलती है वो आंखों से भी पहचानी जा सकती है, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इसीलिए एम्बेसीज वाले रेटिना लेने लगे हम, ये चीज़ लोग चेंज कर लेते हैं। इस पर तो आप प्लास्टिक सर्जरी करा लोगे, रेटिना चेंज नहीं हो सकता। सो एक बार मैं चाहूँगा एक ऐसी ताली बजनी चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मैं सोच रहा था जब बोल रहे थे, इनकी इन्हीं बातों से कायल होके हम अपने प्रोफेशन छोड़कर यहां आए। जब ये रामलीला ग्राउंड में बोलते थे, जब हर रोज एक पीसी होती थी, तब आंखें बोलती थी, दिल बोलता था, इन्हीं बातों से कायल होके हम सब लोग अपने अपने प्रोफेशंस को भी छोड़ के आए हैं। कईयों ने नुकसान भी कराया, पर्चे हुए, जेल में भी साथी हमारे बैठे हैं। तो इसीलिए आए हैं कि देश के लिए कुछ करना है, वरना पैसे कमा के दुनिया, बहुत बड़े बड़े बैंक खाते छोड़कर लोग चले जाते हैं, साथ कुछ नहीं जाता। देश के लिए कुछ किया, याद रहता है। मेरा एक छोटा सा शेयर है, मैं भगत सिंह को देखकर जब मैं निकलता हूँ कभी भी, तो भगत सिंह जी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैचू भी आ जाता है। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। 90-90 साल के बुजुर्ग आपके पड़ोस में, आपके गांव में बिस्तर पर पड़े होंगे, डेथ बेड पर पड़े हैं, मौत को उड़ीक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं जानता करतार सिंह मर गया या जिंदा है। अच्छा, अभी मरा नहीं, मतलब मौत को भी कई लोगों को ढूंढना पड़ता है कहाँ रहता है। और उधर 23 साल की उम्र में फांसी का रस्सा चूमा, हमारी क्या, आने वाली 100 पीढ़ियां भी भगत सिंह जिंदाबाद करती रही। तो 90 साल और 23 साल, चार गुना कम हो गए ना। तो सालों से नहीं बड़ा होता आदमी, बड़ा ख्यालों से होता है। तो जिस किस्म के ख्याल आम आदमी पार्टी ने लोगों को दिए, बेमिसाल। गुजरात की टीम बैठी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देखो, हर 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 स्टेट का अपना अपना योगदान है। दिल्ली ने हमें सरकार दी, गोवा ने हम, पंजाब ने सांसद दिए लोकसभा के, गोवा वालों ने पहली बार
साउथ में खाता खोला, गुजरात वालों ने राष्ट्रीय पार्टी बना दी। जब भी कहीं पढ़ा जाएगा हिस्ट्री में कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बनी थी, उसका सही आंसर होगा गुजरात इलेक्शन के बाद। तो आपका नाम हिस्ट्री में आ गया। मेहनत की, सबने की, करनी भी चाहिए, और मेहनत से ही ये नतीजा है, जैसा कि सीएम साहब बोल रहे थे कि हम लोग जहां जाते हैं हमारे बारे में ये फैलता है कि ये लोग आ गए, अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये हम कुछ नहीं कहते किसी को, हम कोई लड़ाई नहीं कराते, कोई पैसा नहीं है हमारे पास, कोई हमारा मसल पावर नहीं यूज़ करते। हम तो सिर्फ सीधा कहते हैं स्कूल ठीक कर देंगे, सड़कें बना देंगे, बिजली मुफ्त दे के दिखा दिए दो राज्यों में, आपके बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार दे देंगे। ये कोई पार्टियां करती नहीं थी। इस बात के लिए भी मैं आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं इस बात के लिए भी बधाई देता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को। जिस हम तो उस दिन नहीं थे जिस दिन ये झाड़ू का चुनाव चिन्ह रजिस्टर करवाने गए थे, हम में से ज़्यादा नहीं थे, तो कैसे फॉर्म भरे होंगे पार्टी बनाने के लिए, कैसे कितने गवाह लगे होंगे, कितने कागज़ लेके गए होंगे इलेक्शन कमीशन में। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ कि जो हेलीकॉप्टर से ऐसे ऐसे करके वोट मांगते थे और जीत भी जाते थे, वो गलियों में पर्चे बांट रहे हैं, धरती पर ले आए। इन्होंने कहा भी था हम राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं, सीख गए ना, अब स्कूलों में जाना भी शुरू कर दिया, अब अस्पतालों की बातें भी करनी पड़ रही हैं। तो आप सबको मैं इसलिए भी बधाई दे रहा हूं कि हमारी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, पंजाब में सरकार है, मेरे सभी कैबिनेट के और मेरे 92 मेंबर जो हैं मेरे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यहाँ बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं। 8-9 महीने हुए हैं अभी, वो काम कर दिए जो सरकारें जाते जाते भी नहीं करती। आमतौर पर आखिरी 6 महीने में काम करते हैं, शायद लोगों को हमारा 4.5 साल का जुल्म लूट भूल जाए, ये 6 महीने याद रह जाएं। अभी कोई इलेक्शन आसपास नहीं है, लेकिन हमने पंजाब में इतना अच्छा काम किया टीम के साथ मिलके कि आज पंजाब के लोग बोलने लगे हैं यार कुछ तो फर्क है उनसे, है तो फर्क यार, जो कहते थे कर रहे हैं। गारंटियां तो जो अरविंद जी दे के आए थे वो तो पूरी करनी करनी है, हम तो बोनस दे रहे हैं, गारंटियों जो गारंटी ली भी नहीं थी वो भी पूरी कर रहे हैं हम। कोयला की माइन चलाई हमने कल, झारखंड में पछवाड़ा में कोयले की माइन थी पंजाब की, 2015 से बंद पड़ी थी, हमने सब एनओसी वगैरह वहां लोकल जो दिक्कतें थी सब पूरी करके, कल आपने देखा होगा रोपड़ थर्म प्लांट में पहली ट्रेन पहुंच चुकी है, 70 लाख मीट्रिक टन हम उसमें से कोयला निकालेंगे, कोयले के मामले में आत्मनिर्भर, ये हमने गारंटी नहीं दी थी। जब हमको पता चला कि ऐसे लूट रहे हैं, यहाँ से पैसा बच सकता है, तो ये कहते थे ना पैसा कहाँ से आएगा, 1500 करोड़ रुपया पर ईयर बिजली बोर्ड को फायदा होगा इस कोल माइन का, 1500 करोड़, वही 1500 करोड़ से हम लोगों को फैसिलिटी देंगे, फ्री की रेबड़ी बोलते रहते हैं, तो 1500000 वाला पापड़ तो नहीं बेचा ना हमने कि 1500000 आ जाएगा हर खाते में। अब इनको रेबड़ियां याद आ रही हैं, वो इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इससे उनको पता चल गया कि इससे लोग खुश हैं। इस बात से ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू कर दी, ठीक है वो मुकर जाएंगे कि हम पैसे नहीं देंगे, ये अपने मुलाजिमों का ख्याल रखना हमारा काम है। बाकी अरविंद जी ने कहा कि पूरी दुनिया के लोग अगर आएँ यहाँ इन्वेस्ट करें हम 1 बन सकते हैं, सर उसके लिए पंजाब बिल्कुल तैयार है। आप आज भी
आज भी इस कार्यकारिणी के बाद मैं और मेरे कैबिनेट के कोलीग इंडस्ट्री प्रमोशन मिनिस्टर अनमोल गगनमान और सारी ऑफिसर्स की टीम चेन्नई जा रहे हैं। कल चेन्नई में इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग है, परसों हैदराबाद है और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में इन्वेस्ट करने को लोग तैयार हैं और हमने उसका लोगो रखा है इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सो NRIs हैं, बहुत NRIs हैं, पंजाबी हैं, वेल ऑफ हैं, पूरी दुनिया में पंजाबी हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ। लड़की भले ही जितने मर्जी बड़े घर में उसकी शादी हो जाए, लड़की भले ही जितने मर्जी बड़े घर में ब्याही जाए, लेकिन उसकी एक तमन्ना जरूर रहती है कि मेरे मायके की तरफ से ठंडी हवा के बुल्ले आने चाहिए। तो पंजाब हमारे लाखों NRIs के लिए मायका है। जब यहां से कुछ अच्छी खबर जाती है तो उनको हौसला होता है, यार कुछ तो हो रहा है यार, हमारे देश में अच्छा हो रहा है यार। तो जब टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट अपना लुधियाना में लगाएगा तो और उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा कुछ हो रहा है यार। जब सनातन टेक्सटाइल 1500 करोड़ रुपया खर्च करके राजपुरा में आएगी, जब हॉलैंड एक फैक्ट्री कैटल फीड बनाने की 100 करोड़ का MOU हमारे साथ करेगा, जब बर्बियो कंपनी 47,000 एकड़ की पराली को खरीद के उससे बायो एनर्जी बनाएगा तो उनको तो थोड़ा फक्र महसूस होगा, कुछ तो हो रहा है। जब फ्रेडनबर्ग कंपनी 38 एकड़ मोरिंडा में लेकर मर्सिडीज के सेंसर बनाएगी तब उनको पता चलेगा पहले वालों में और इस वालों में क्या फर्क है। ये फर्क है बस। हम हर रोज कुछ ना कुछ नया ऐलान करते हैं। हम चाहते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है वो दिल्ली देश का दिल है। पंजाब के बारे में कहा गया कि भारत है बांग मुंदरी बिच नग पंजाब दा। अगर हमारा देश एक मुंदरी है जो जिसको आप अंगूठी है तो उसमें नग जो है चमकता है हीरे वाला, वो पंजाब है। तो इस नग की जो जो चमक है वो फीकी नहीं पड़नी चाहिए। और कल कोई मुझे टीवी में पूछ रहा था, टीवी वाले, कि जी दिल्ली के साथ नॉलेज शेयर एग्रीमेंट आपका, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जी जो दिल्ली में अच्छा हो रहा है वो हम पंजाब में उससे भी अच्छा कर देंगे, कोई और देखेगा वो उससे भी अच्छा कर देगा। हमें कोई ये कॉपीराइट थोड़ी ले लिए, इंटेलेक्चुअल राइट थोड़ी ले लिए कि हम दिल्ली और पंजाब में स्कूल अच्छे करेंगे। हमें तो चाहिए एक भाई साहब आइडिया ले जाओ, जहाँ मर्जी अच्छे कर लो। जिस दिन ट्रंप की वाइफ ने कहा कि मैंने स्कूल देखने हैं, फिर मोदी साहब ने MCD वाले क्यों नहीं दिखाए? चाबी तो अरविंद केजरीवाल से लेनी पड़ी, उसको पता था ये अच्छे हैं, उसको पता था MCD वाले खराब हैं, इसीलिए लोगों ने कहा यार कि तुमने अपने तो ठीक कर दिए, भाई साहब हमारे वाले भी ठीक कर दो, इसीलिए MCD जीत गए। करेंगे। पंजाब में हम 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस, बहुत कमाल के स्कूल बनाएंगे। मैंने BC 32 यूनिवर्सिटी हैं पंजाब में, सरकारी और प्राइवेट, मैंने सभी BCs की मीटिंग ली। मैंने उनको कहा कृपया फीसें ले लो, कोई बात नहीं, महंगी फीसें हैं, लेकिन कम से कम वहाँ से जॉब सीकर्स ना निकालो, जॉब प्रोवाइडर्स दो। आप लोग फीस लेके डिग्री देके उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देते हो, वो हमारे घर के आगे धरना देके बैठ जाते हैं, टैंकियों पे चढ़े जाते हैं, टावर पे जाते हैं नौकरी। अब अगर आप एक स्किल्ड पर्सन पैदा करोगे, वो स्टार्टअप शुरू करे, तो वो कितने आदमियों को और नौकरी देगा? Zomato पंजाबी है सर, फरीदकोट का Zomato चलाया जिसने, ओला सानेवाल का है सर, ओला वाला, Flipkart पंजाबी है सर, हाँ उनके ऑफिस बेंगलोर में है, पुणे में, अब उनको भी कह रहे हैं आ जाओ मोहाली में ऑफिस बनाओ ना, कॉल सेंटर बनेगा, कितने लड़के लड़कियों को अच्छा स्टार्टअप मिलेगा, Zomato से निकल के और कहीं जाएंगे अपना बिजनेस शुरू करेंगे। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत मान महसूस हो रहा है इस पार्टी में आकर,
और पार्टी का वर्कर बनकर, यही पार्टी है जैसा कि अरविंद जी ने बोला जब चप्पलें घिस जाती हैं एक एमएलए बनने के लिए, यही पार्टी है जो 26 साल 27 साल 28 साल 29 30 31 32 साल के लड़के लड़कियों को विधानसभा लोकसभा राज्यसभा और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देती है, यही पार्टी है। वरना हालात देख लो, हिमाचल में सरकार बन गई मंत्रिमंडल नहीं बना, सुखू जी उनके साथ पैदल भी चल लिए 10 किलोमीटर के, बता दो कौन कौन लेने हैं, फैसला नहीं हो रहा। इतनी देर में बीजेपी वालों को टाइम मिल जाएगा, इतना टाइम लगाते नहीं है वो, और कांग्रेस वाले भी इतना टाइम देते नहीं है जाने में यहां ठीक है ना, एक ही पार्टी है जिसके 2 MLA हैं गोवा में, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए ऑफर किए। तो हमने कहा भाई साहब जो मार्केट में ही नहीं है वो बिकेगा कैसे भाई, हम मंडी में ही नहीं है भाई, कीमत क्यों लगा रहे हो, हमारी कीमत ही कोई नहीं है। तो पंजाब सर गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा, दिल्ली वालों ने पंजाब को ये बताया कि ऐसे हो सकता है, पंजाब वालों ने दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ा और अब पंजाब गेटवे ऑफ इंडिया आपके लिए तैयार करेंगे, पंजाब के काम दिल्ली के काम हम पूरे देश में लेके जाएंगे। हमारी धड़कन में देश है, धड़कन में पंजाब है, और ब्लड टेस्ट करवा लिया जाए तो भी पंजाब नाम के जो सेल हैं बी बी पॉजिटिव, मेरे ख्याल में हमारा तो पी पॉजिटिव ही आएगा, पंजाब पॉजिटिव। तो हम तो सर पंजाब और देश के लिए खड़े हैं, देश को आज़ादी लेके दी पंजाब ने, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ 90%, अभी भी अंडमान निकोबार जाओगे सर नाम लिखे पड़े हैं सर, 95% नाम पंजाबियों के हैं जिनको काले पानी भेजा गया था। अभी भी आप चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओगे सर आपको पंजाबी मिलेंगे, सबसे पहले सीना हमारा, गोली के दुश्मन की आएगी सीना हमारा है। तो उस आज़ादी को लेके बचाना भी है, और हमारी बॉर्डर स्टेट है, हर रोज कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं, लेकिन हम हमारा भाईचारा इतना, हमारी सोशल बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि सर कोई गोली बम या कोई ड्रोन ये इसको तोड़ नहीं पाएगा। हम इकट्ठे रहते हैं पंजाब में और इकट्ठे ही रहेंगे, और आप सबको जो भी आज यहाँ पे आए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई। मेरा मंत्रिमंडल बैठा है अच्छा लग रहा है, और दिल्ली का मंत्रिमंडल बैठा है अच्छा लग रहा है, और एक दूसरे के लिए हमने काम किया, दिल्ली के गलियों में हमने काम किया, गुजरात की गलियों में हमारे कोई ना कोई हमारा पंजाबी जो है इंचार्ज होता था वहाँ पे, और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला हमें पंजाबियों को, पंजाबियों का मान पगड़ी का, पगड़ी की शान जो है वो गुजरात में हमें हमें देखने को मिली कि लोग कितना प्यार करते हैं पंजाबियों से, और उस शान को और उस मान को हम बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।